हमने क्या करना है, 0 to a f(a−x) वाली फॉर्म यूज कर लेनी है. सो दिस इज 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स को हमने रिप्लेस कर देना है π/2 − x से. सो दिस विल बी लॉग ऑफ साइन π/2 − x. प्रॉपर्टी ऑफ इंटेग्रल हमने यूज की कि f(x) dx फ्रॉम 0 to a, ये इंटेग्रल जो है दैट इज इक्वल टू 0 to a f(a−x). ठीक है, तो 0 to a, a की जगह यहाँ पे क्या था, π/2 था, हमने रिप्लेस कर दिया x को a−x यानी कि π/2 − x से. तो ये दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम होती है. अब साइन ऑफ 90 − θ क्या होता है, cos θ. तो ये क्या बन जाएगा, 0 to π/2 लॉग ऑफ cos x dx. ये सेकेंड इंटेग्रल, इन सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन दोनों को ऐड कर दो. व्हाट वी विल हैव, 2i = 0 to π/2, दोनों की लिमिट सेम है तो मैं सेम इंटेग्रल में लिख रही हूँ, लॉग ऑफ साइन एक्स डी लाइन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ cos x dx. आप एक काम, मैं सिर्फ इतना फेवर कर सकती हूँ, आप 1:30 के बाद हाफ एन आवर रुक जाओ, मैं नए सिरे से शुरू करवा दूंगी. ठीक है, जिस जिसको इंटीग्रेशन समझनी है, 1:30 to 2, हाफ एन आवर भी अगर डेली लगाओगे तो आराम से हो जाएगा. कंसेप्ट समझनी है, बाकी प्रैक्टिस तो आप लोगों को खुद करनी है. अब लॉग एम प्लस लॉग एन वाला आपका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लॉग ऑफ एम इंटू एन. तो यहाँ पे हम लॉग ऑफ एम एन लगा लेंगे. सो दिस इज 2i = 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स. अब यहाँ पे बुक से थोड़ा सा स्टेप में अलग करवा रही हूँ. बुक में आपका जो है वो गिवन है +log 2 − log 2. तो उसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि वो हम क्यों कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग के अंदर ही 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. तो 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका, sin 2x का. और ये क्या बन जाएगा, 2i, बुक में ही चाहे लिख लेना इसको, 0 to π/2 लॉग ऑफ sin 2x/2. तो ये मेरा बन गया 2i = 0 to π/2 लॉग, अगेन लॉग एम बाई एन को लॉग एम माइनस लॉग एन की फॉर्म में लिख लेंगे. सो दिस विल बी लॉग ऑफ sin 2x − log of 2 dx. ठीक है जी, ये स्टेप क्लियर है. बुक में इस स्टेप के बाद ये करने के साथ, जो मैंने यहाँ 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई की है, आपका बुक में क्या गिवन है, log sin x cos x + log 2 − log 2. तो वहां वो याद नहीं रहता हम क्यों कर रहे हैं. तो हमने क्या करना है, इसको सिंगल टर्म बनाना है. जो साइन एक्स कॉस एक्स है, सिंगल टर्म बनाने के लिए हमें पता है जब साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे अगर 2 लग जाते हैं तो वो सिंगल टर्म sin 2x बनती है. तो अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो लॉग ऑफ sin 2x/2 आ गया यहाँ पे. तो इसको अगेन मैंने लॉग एम माइनस लॉग एन की फॉर्म में लिख लिया. अब लॉग 2 जो है ये तो मेरा कांस्टेंट है, तो इसका इंटेग्रल, कांस्टेंट का इंटेग्रल दैट कांस्टेंट इनटू एक्स आता है, और इसका अब रह जाएगा हमारा इंटेग्रल. ठीक है, इसका इंटेग्रल लेने के लिए हमने क्या करना है, इसको मैं अलग से ले लेती हूँ. लेट अस सपोज मैंने इसको i1 ले लिया, तो i1 = 0 to π/2 log of sin 2x dx. अब हमने क्या करना है, इस 2x को t पुट करना है. ये तो हो गया. अब ये वाला जो मेरा इंटेग्रल है, यहाँ मैंने इसको ऐसे लिख लिया अलग से, ये वाला इंटेग्रल मेरा डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा क्योंकि log 2 कांस्टेंट है. तो इसको मैं अभी नहीं ले रही हूँ. मान लो कि मैंने इसको स्टार ले लिया, इसमें मैंने इसको i1 ले लिया, क्योंकि मुझे अब इसका इंटेग्रल निकालना है. इसका इंटेग्रल निकालने के लिए मेरे पास ये चीज है. ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे sin 2x है तो मुझे x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको. तो मैं क्या करूंगी, sin 2x को t पुट कर लूंगी. sin 2x को t पुट किया तो आपका इसका डेरिवेट, sin 2x को नहीं, सिर्फ 2x को हम t पुट करेंगे क्योंकि sin as it is रहेगा.
अब 2x को t पुट किया तो यहां से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ dx इज इक्वल टू dt, dx किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ dt के। अब जब मैंने, हाँ जी, अब जब मैंने इसको x को वेरिएबल t में चेंज किया है तो लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तो x को 0 पुट करेंगे तो t भी 0 आ जाएगा आपका, तो t इक्वल टू 0। और दूसरी क्या है यहाँ पे लिमिट, x क्या है, पाई बाय टू, तो व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय टू इसमें पुट करेंगे तो t कितना आ जाएगा, पाई। यहाँ पे 2 × π/2 करोगे पाई रह जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, पाई। यानी कि एक्स 0 पे ये टी 0 आ गया और एक्स पाई बाय 2 पे टी क्या आ गया, पाई। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो डेफिनेट इंटेग्रल में तो जिस वेरिएबल को आपने पुट किया है उस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली हमें लिमिट्स गिवन होती हैं। तो जो वेरिएबल आपने रिप्लेस किया है अकॉर्डिंग टू दैट वेरिएबल आपकी लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। और लिमिट्स हमेशा कैसे निकालनी है, जो गिवन है लोअर वाली पुट करोगे तो लोअर लिमिट मिलेगी, अपर वाली पुट करोगे तो अपर लिमिट मिलेगी। अब ये क्या चेंज हो जाएगा आपका, 0 to π/2 की जगह क्या हो जाएगा टी के लिए, पाई लॉग ऑफ साइन टी डी टी। और डी टी डी एक्स को जब मैंने रिप्लेस किया, हाफ ऑफ डी टी था, ये वाला हाफ जो है वो बाहर आ जाएगा। ये स्टेप क्लियर है। अब यहाँ पे अगेन अगर मैं पाई को, जो मैंने यहाँ पे स्टेप लगाया था लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स पुट करती हूँ, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो वहां से मेरे पास इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, इट मींस मुझे लिमिट फिर से चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम फिर से प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है, अगर मुझे गिवन है 0 to 2x of a f(x) dx, और 0 to 2x of a में f(x) dx अगर ये मेरा इवन फंक्शन बनता है, यानी कि अगर f(2a − x) जो है दैट इज इक्वल टू f(x), तब हम इसको किस में चेंज कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 to, यहाँ वाली जो है वो हाफ हो जाती है, 2a है तो उसका हाफ a कर दोगे, एंड दिस इज f(x) d(x). अब यहाँ पे देखो साइन ऑफ पाई माइनस टी साइन टी के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी में क्या बन जाएगा, ये हाफ ऑफ 0 to, पाई का हाफ कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, यहाँ क्या रह जाएगा, लॉग ऑफ साइन टी डी टी, ये I1 की वैल्यू है। क्लियर आ गया समझ ये वाला स्टेप। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी कि अगर हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं तो देयर इज नो चेंज इन द इंटेग्रल। तो अब टी को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी, एक्स से, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, I1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 0 to π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको स्टार में पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे क्या बनेगा। अब मैंने यहाँ पे एक स्टेप मिस भी किया है, क्या मिस किया है वो बताओ मुझे, जो मैंने 0 to π को 0 to π/2 में कन्वर्ट किया है वहां पे मैंने कुछ छोड़ दिया है, कुछ नहीं लिखा इसके अकॉर्डिंगली, क्या नहीं लिखा, ये वाला 2 भी था यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ करना है ना, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आ जाएगा आपका, यानी कि ये भी आपका क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब इस I1 को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यूजिंग स्टार क्या आ जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। यहाँ एक स्टेप और है, 0 to π/2, टी की जगह एक्स लिखना है बस, सो दिस इज लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ 0 to π/2 लॉग 2 dx। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ आई इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस, लॉग 2 कॉन्स्टेंट है आपका और 1 का इंटेग्रल एक्स, लिमिट इज 0 to π/2। अब ये किसके इक्वल है, इसको क्या मानना था हमने बिगिनिंग में, आई मानना था, तो इसको मैं आई से रिप्लेस कर देती हूँ, ट्वाइस ऑफ आई, या इधर वाले आई को मैं ये लिख लेती हूँ,
जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये वाला पॉजिटिव इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग टू। और जब आप यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, पाई बाई टू माइनस जीरो इज पाई बाई टू, तो ये ट्वाइस में से जब आप वन टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे सिंगल रह जाएगा वो आपका, यानी कि इंटेग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू। ठीक है, क्लियर? दो तीन बार इसको अपने हाथ से करके देखोगे तब ये क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेप, स्टेप्स देख लो इसमें क्या यूज हुए। फर्स्ट स्टेप में हमने एफ ऑफ ए माइनस एक्स यूज किया, देन एडिंग वन एंड टू किया, उसके बाद डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय टू किया, साइन टू एक्स और लॉग टू वाली फॉर्म आ गई। उसके बाद साइन टू एक्स वाले को हमने आई वन मान के टू एक्स को टी से रिप्लेस किया, सिंगल टर्म बनाई, देन जीरो टू पाई में क्योंकि एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा था तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी, ट्वाइस ऑफ जीरो टू हाफ कर दी लिमिट और सेम आपका इंटेग्रल रह गया। तो यहाँ जीरो टू पाई बाय टू क्यों हमने किया, ताकि हमें जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो हमारी जो स्टार्टिंग में गिवन थी जीरो टू पाई बाय टू वाली फॉर्म बन जाए। फिर क्योंकि एक्स में गिवन था तो वेरिएबल अगर हम चेंज करते हैं इंटेग्रल में देयर इज नो चेंज, तो टी को सिंपली हमने एक्स लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, यहाँ ये पूरा जो है आपका ये स्टार्टिंग में जो इंटेग्रल हम निकाल रहे थे वो बन गया, इधर ट्वाइस ऑफ दैट इंटेग्रल था, यहाँ पे सिंगल टाइम आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो चीज आ गई और इधर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मिनिमम तीन चार बार करके देखोगे तब आपका ये जो है क्लियर होगा। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। कहाँ ये? हाँ हमने बेटे यहाँ पे पुट किया ना, टू एक्स को टी पुट किया था, जब हमने टू एक्स को टी पुट किया तो डी एक्स डी टी की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया था। अब जब हमने एक्स को जीरो पुट किया था तो टी जीरो आ गया, यहाँ पे अपर लिमिट पाई बाय टू थी, एक्स को पाई बाय टू पुट किया तो टू से टू कैंसिल होकर टी पाई बन गया था हमारा, मतलब वेरिएबल चेंज करने पे वो आपका अपर लिमिट चेंज हो गया। ठीक, हाँ होना करना पड़ता है, डेफिनेट इंटेग्रल में जब आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपकी लिमिट्स जो है वो चेंज करनी होती है, डेफिनेटली करनी होती है। यहाँ मैंने टी को नहीं रिप्लेस किया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है कि अगर मुझे एक इंटेग्रल लेट अस सपोज फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स गिवन है ना, तो इसको जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ टी डी टी, यानी कि अगर मैं एक्स की जगह वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर रही हूँ, मतलब एक्स को मैंने अदर नेम दे दिया, आप इसको ऐसे भी मतलब कर सकते हो कि उसको हमने कोई निक नेम दे दिया, तो पर्सन तो वही रहेगा ना आपका, सेम ये चीज है कि इंटेग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जस्ट वी आर चेंजिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अब एग्जाम्पल 37 सिंपल है ये, कॉस 6x रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब आप अगर इसको देखो तो साइन का वेरिएबल आपका कॉस होता है, तो हमने क्या करना है, रूट 1 प्लस साइन 6x को टी पुट कर लेना। तो जब आप रूट 1 प्लस साइन 6x को टी पुट करोगे तो डी एक्स की वैल्यू भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। बस इसमें ये ध्यान रखना है जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, जैसे मोस्टली हम एक्स को ही करते हैं, तो एक्स को आपको डीएक्स वाला भी निकाल के रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि डीएक्स भी अकॉर्डिंगली आपका रिप्लेस होगा। सो दिस इज इंटेग्रल ऑफ कॉस 6x रूट 1 प्लस साइन 6x, और लिमिट्स हैं हमारी इसकी विदाउट लिमिट्स है ये, तो दिस इज इनडेफिनेट इंटेग्रल। ये आपका एग्जाम्पल 37 है, पेज नंबर 348 पे। अब साइन का इंटेग्रल आपका कॉस होता है, कोशिश हमारी ये होती है जो हमने सब्स्टिट्यूट करना होता है जो रूट वाली टर्म्स हैं उनको सिंपल बनाना होता है। अब रूट के नीचे 1 प्लस साइन 6x है और साइन का जो आपका डेरिवेटिव है वो कॉस है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को टी पुट कर लेंगे।
अब जब हमने इसको टी पुट किया तो हमें अकॉर्डिंगली डीएक्स की वैल्यू भी चेंज करनी है, तो डीएक्स की वैल्यू के लिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, वन का इंटेग्रल आपका, वन का डेरिवेटिव विल बी 0, साइन 6x का डेरिवेटिव विल बी 6 कॉस 6x, कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस 6x फर्दर डिफरेंशिएबल है, 6x का डेरिवेटिव 6 आ जाएगा, तो दिस डीएक्स इज इक्वल टू डीटी। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देनी है, कॉस 6x डीएक्स दिस विल बी इक्वल टू 1/6 डीटी, तो ये कॉस 6x और ये डीएक्स, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1/6 कॉन्स्टेंट हमेशा हम बाहर लिख लेते हैं, और डीटी रह क्या गया, √1 + sin 6x, जिसमें से 1 + sin 6x को हमने क्या पुट किया है, टी, तो ये √t बन जाएगा, √t मीन्स t^1/2, इसका आपको इंटेग्रल पता है, ऐड करोगे 1, पावर फॉर्मूला लगा लोगे, तो 1/6 t^3/2 अपॉन में 3/2, लिमिट्स नहीं है और इनडेफिनेट है, तो साथ में प्लस सी करना पड़ेगा, अब टी जो है यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अगेन। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट वाले में हमें गिवन है फाइंड, इस तरह का हमने एक क्वेश्चन भी किया था प्रीवियस उसमें एक्सरसाइज में, x^4 - x (2^1/4) अपॉन में x^5, यहाँ पे जो पावर गिवन है यहाँ उससे 1 लेस होती है, यहाँ उसका 1/nth रूट गिवन होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है इस केस में, आप x को पहले, x^4 को आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, तो x^4 को जब आप 1/4 में से कॉमन लोगे तो व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, देखो मैंने x^4 - x में से x^4 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या रह गया, 1, और x में से जब आप x^4 बाहर लोगे तो 1/x³ रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये स्टेप, और इस पूरे की पावर क्या है, 1/4। अब x^4 × 1/4 विल गिव यू 1 मिलेगा, तो ये आ गया x/(1 - 1/x³)^1/4 और अपॉन में ये वाला x^5। ठीक है, क्लियर है ये स्टेप। अब ये वाला एक्स इस पावर 5 को कट करेगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x^4 और इनटू में क्या है, 1 - 1/x³ dx। अब बताओ, इसको ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव बन रहा है ये, जब अपॉन में पावर 1 होती है तो डेरिवेटिव में वो पावर 1 इंक्रीज हो जाती है ना, तो इट मींस हम क्या करेंगे अब, क्योंकि उसका डेरिवेटिव बन रहा है तो 1 - 1/x³ को हम टी पुट कर लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो इसका जो आपका डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी 3x^-4 dx इज इक्वल टू डी टी, यानी कि 3/x^4 dx इज इक्वल टू डी टी, मुझे क्या चाहिए, 1/x^4 dx, यानी कि ये 3 यहां से मैं हटा दूंगी, ये बन गया। अब ये यहाँ रिप्लेसमेंट करेंगे, 1/x^4 dx की जगह क्या आ जाएगा, 1/3 × dt, और 1 - 1/x³ की जगह क्या आ जाएगा, t। अब इसका इंटेग्रल हमें पता है t^2/2, फिर t को आप रिप्लेस कर। ठीक है, क्लियर है, मतलब मेन जो है वो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें फॉर्म है x^(n - x)^(1/n) और अपॉन में x^1 पावर इंक्रीज है n+1, तो आपका जो x^n है आपने उसको कॉमन ले लेना है, फिर आपकी हमेशा इस तरह की फॉर्म बनती है, जो ये ब्रैकेट है, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैंने ये गड़बड़ करी है, यहाँ 1/4 था पावर इसका, तो t^1/4 + 1 यानी कि t^5/4 अपॉन में 5/4। ठीक है,
तो यहाँ पे जब आपका बनता है तो पावर को छोड़ के जो आपका ब्रैकेट में रह जाता है उसको हम टी पुट करते हैं। तो जब आप इसको टी पुट करोगे तो ये वाली चीज आपकी डीटी बन जाएगी। समहाउ कुछ ना कुछ आपका कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे 1/3 आ रहा था, अगर आ रहा है तो वो हम बाहर लिख लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, कर लोगे कंप्लीट। और लास्ट में टी को रिप्लेस जरूर करना है, बस ये ध्यान रखना आप लोग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 39 था, आप कर लोगे। मैं हिंट दे देती हूँ इसका। 39th क्वेश्चन में वी आर गिवन x^4 dx अपॉन x-1 अपॉन में x²+1। अगर आप डिनोमिनेटर को चेक करो तो x-1 × x²+1, यानी कि x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 बन रही है, ठीक है, और ऊपर x की पावर क्या बन रही है, 4 बन रही है। इट मींस न्यूमिरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी है, तो पहले उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर से रिप्लेस कर दोगे, आपका क्या बन जाएगा, ये x+1 + 1 + 1 x-1 × x²+1। पहले वाला तो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा आपका, सेकंड वाला जो है वो बाय पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा आपको। उसमें क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लेके चलते हो, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन फर्स्ट फैक्टर। लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर में जो है सेकंड वाला या फर्स्ट वाला फैक्टर फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं होता और क्वाड्रेटिक होता है तो हम उसको क्या पुट करते हैं, मैं सिर्फ इतना वाला पार्ट आपको बता रही हूँ, ये फॉर्म हमें गिवन है। x²+1 के फर्दर फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय ए अपॉन जो फर्स्ट वाला सिंपल फैक्टर है प्लस अपॉन में, अगर ये नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक टर्म होती है आपकी तो ऊपर आप लीनियर लेके चलते हो, तो इसको आप रिप्लेस करोगे bx+c से। हाँ जी, माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस लीनियर टर्म अपॉन डिनोमिनेटर में आपकी क्वाड्रेटिक नॉन फैक्टराइजेबल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, आगे वही एलसीएम लेके कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज निकाल के फिर सिंपली इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से देखना, ये मैं बुक वाले मेथड से नहीं करवा रही हूँ, तो बेशक बुक में ही साइड पे लिख लेना। हमें गिवन है फाइंड द इंटेग्रल ऑफ लॉग एक्स +1/log x² dx। यहाँ पे हम क्या करेंगे, log x जो है हमारा उसको t पुट करके करेंगे। ठीक है, तो log(x) +1/log(x)² तो हमने क्या करना है, इसमें log x को t पुट करके करेंगे। बुक वाला मेथड नहीं है, बुक में ही कर लो या नोटबुक पे नोट कर लेना है, बुक में कर लोगे तो सामने रहेगा ये। अब जब log x = t है तो यहाँ पे अगर मैं log दूसरी साइड पे लेके जाती हूँ तो x मेरा क्या बन जाएगा, e^t। ठीक है, अब dx क्या आ जाएगा, e^t (dt). क्लियर है, इतना समझ आया ये स्टेप सक्शन। हाँ जी, लॉग जो है मतलब इसको अगर मैं कहूँ एक नॉर्मल लैंग्वेज में तो लॉग अगर मैं उधर लेके जाती हूँ तो ई बेस बन जाता है और इधर जितनी टर्म्स होती हैं वो सारी पावर में आ जाती हैं। ठीक है, तो dx = e^dt बन गया डिफरेंशिएट करके, क्योंकि अगर मैंने x वाली टर्म को t से रिप्लेस किया है तो मुझे dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताओ क्या बन जाएगा, log x को मैंने क्या पुट किया है, t, तो ये क्या बन जाएगा, log t +1/t² × dx किससे रिप्लेस होगा, e^t (dt) से। अब ये फॉर्म मेरी अभी ये वाली नहीं बन रही है जिसमें हम ये कंसेप्ट लगाते थे कि अगर e^x (f(x)+f′(x) अगर मुझे गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, इसका इंटेग्रल डायरेक्ट ले लेते हैं e^f(x)+c। अब अगर मैं इसको देखूं, log t का डेरिवेटिव क्या बनता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log t, 1/t, और 1/t का डेरिवेटिव क्या है,
वन बाई माइनस वन बाई टी स्क्वेयर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाई टी एड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वन बाई टी क्या बन जाएगा यहाँ पे, लॉग ऑफ टी प्लस वन बाई टी और इधर वन बाई टी विद नेगेटिव साइन एंड प्लस वन बाई टी स्क्वेयर, और दोनों के साथ क्या है हमारा e टू दी पावर टी। ठीक है, क्लियर है ये स्टेप, हमने वन बाई टी एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि लॉग टी का डेरिवेटिव वन बाई टी होता है और वन बाई टी का जो डेरिवेटिव होता है वो ये विद माइनस साइन बन रहा है, तो वन बाई टी पॉजिटिव वाला जो था वो मैंने लॉग के साथ ले लिया क्योंकि ये मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस वाले को हमने ले लिया। अब e टू दी पावर टी को दोनों के साथ हम अलग अलग ले लेंगे, यानी कि इंटेग्रल हम अलग अलग लिख लेंगे, तो इंटेग्रल e टू दी पावर टी इंटू लॉग ऑफ टी प्लस वन बाई टी प्लस इंटेग्रल e टू दी पावर टी माइनस वन बाई टी प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी। ठीक है, अब ये फॉर्म क्या बन रही है, e टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, लॉग टी का डेरिवेटिव वन बाई टी और माइनस वन बाई टी का डेरिवेटिव वन बाई टी स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे e टू दी पावर टी, एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे लॉग टी, तो e टू दी पावर टी लॉग ऑफ टी और यहाँ पे e टू दी पावर टी इंटू माइनस वन बाई टी और प्लस सी आपने साथ में लेना ही लेना है। अब टी को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे टी को, क्यों क्या पुट किया था हमने लॉग टी को, हमने क्या पुट किया एक्स को, लॉग एक्स को हमने टी पुट किया था ना, तो टी को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, लॉग एक्स से, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स की टर्म्स में था, एक्स वेरिएबल की फॉर्म में, तो हम उसको टी की फॉर्म में नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। कर लोगे पुट के करवाऊं आगे, क्या आएगा चलो बताओ फिर। ये सर टी को जहां जहां टी है लॉग एक्स से रिप्लेस कर दो, ई टू दी पावर लॉग एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर लॉग एक्स क्या किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एक्स, e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा x log of log x minus x upon log x plus c। यहां एक बार ये चेक करो, नहीं ठीक है, वन बाय टी स्क्वायर का बन रहा है कि वन बाय टी का बन रहा है, टी का बनेगा ना, ठीक है डेरिवेटिव कह रही थी मैं, चेक करो, सो आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, चाहे बुक वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, दैट इज योर विश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे रीज्वाइन द क्लास,